अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई न्यू एक रेसिपी के साथ। तो आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ कि ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी द्वारा अल्लाह की रहमत से। तो मैं हूँ मुमताज, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो मेरे वीडियो में पहले बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, प्लीज़ आपको आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को पूरा स्किप ना करके देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से, उन सबको थैंक यू सो मच। तो चलो आज अंडा भापा करी बनाने जा रही है। तो अंडा बनाने के लिए, अंडा करी बनाने के लिए जो लग रहा है, तो 4 अंडा, अंडा मैंने फोड़ लिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे के इसको मिला लूँगी अच्छे से। ये देखिए मैं अच्छे से अभी मिला लूँगी और अलग से कढ़ाई में थोड़ा पानी दे के स्टैंड बिठा के मैं रख दूंगी इसको, अभी ढक दूंगी। तो ये छेद जो है, ये देखिए ये छेद को मैंने बंद कर दिया और हाई फ्लेम में 5 मिनट के जैसा होने दूंगी। 5 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। तब तक प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने थोड़ा सा भून लिया और उसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए तब तक इधर हो चुका है। तो ऐसा एक माचिस लिया मैंने, देखा चेक करके तो नहीं लगा, मतलब हो गया। तो अभी मैं उठा लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी 2 मिनट। तो ये देखिए अभी मैं छोटा छोटा करके पनीर के जैसा कट कर लिया और इसको अभी 2 चम्मच तेल दे के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो हल्का फ्राई मैं इसको कर लूँगी एक एक करके। बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। घर में जब भी मच्छी चिकन नहीं रहेगा या कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, कुछ सलाद नहीं रहेगा, तो ये भाजी आप बना सकते हो। हिंदी में तो कैसे भी रस्सा को भाजी बोलते, तो इसलिए मैं बोल दिया। तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए तेल में मैं जो पेस्ट करके रखा था वो दे दिया। अभी तेल यूज़ नहीं किया मैं, बाद में तेल यूज़ करूँगी इस रेसिपी में। तो देखिए थोड़ा सा पानी दे के और दालचीनी, तेज़पत्ता 2 दे के इसको अच्छे से भून लूँगी। बहुत अच्छे से इसको भूनना पड़ेगा, जितना अच्छे से भूनोगे उतना अच्छा ही मतलब टेस्ट आएगा इसका। तो देखिए कितना अच्छे से भून रही हूँ मैं। तो और भी थोड़ा थोड़ा करके पानी दूँगी और अच्छे से भून लूँगी। तो इसी टाइम पे मैं 1 चम्मच तेल दे दिया, सोयाबीन तेल यूज़ किया है मैंने, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने तेल दे के और भी अच्छे से, मैं बहुत टाइम तक रस्सा को भूना मैंने। तो ये देखिए 3 मिर्ची दे दिया मैंने, हरी मिर्ची। कट करके मत देना, कट करके देंगे तो ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे पूरा फ्लेवर के लिए देना। तो अभी मैंने दे दिया जो अंडा फ्राई करके रखी थी मैं, वही दे दिया। तो अभी अच्छे से और थोड़ी देर भून लूँगी और जितना ग्रेवी चाहिए आप लोगों को, ऐसे सूखा भी रख सकते हो, थोड़ा सा पानी भी दे सकते हो। तो मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया, ऐसा लग रहा है कि मटन ऐसा दिख रहा है, चिकन मटन के जैसा दिख रहा है, ऐसा अंडा का कोई समझ में नहीं आएगा देख के, और खाने में भी बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए थोड़ा पानी मैंने दे दिया और थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए अभी मैं दे दूँगी अंडा करी मसाला। अंडा करी मसाला दे दिया तो इसका मतलब हो गया। तो अभी मैं उठाने के बाद ही दिखाती हूँ कैसे बनाए, मैं उठाने के बाद ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा दिख रहा है ना, और दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए एक बार घर में बनाए हैं, खा के देखिए कैसे बनाए। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगले जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल नया कुछ रेसिपी के साथ। तो तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।